अगला टॉपिक जो है केपलर्स का थर्ड लॉ का टॉपिक है। केपलर का जो थर्ड लॉ है, जो केपलर के लॉ थे वो तीन थे। पहला लॉ हमने रोटेशन में किया था कि सन जो है वो सेंटर पे नहीं है, फोकस पे है। दूसरा लॉ क्या था, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, उसका प्रूफ हमने कर लिया था। तीसरा लॉ क्या था, तीसरा लॉ था कि अगर मान लो अर्थ सन के आसपास घूम रही है और इसका एक चक्कर का टाइम टी है और एवरेज रेडियस इसका आर है, तो टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू इसके आर का क्यू। ये लॉ था। इसको यूज़ कैसे किया जा सकता था, बताया था कि अगर अर्थ घूम रही है तो इसका टाइम पीरियड 365 डेज है। हो सकता है एक जुपिटर नाम का प्लैनेट भी यहाँ पे घूम रहा है और यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो मान लो 3 आर है और आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो आप दो इक्वेशन बनाओगे, पहले अर्थ के लिए बनाओगे और फिर इस जुपिटर के लिए बनाओगे, ऐसे ऐसे, और इन दोनों को डिवाइड करके टी डैश इन टर्म्स ऑफ टी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ जाएगा। तो टी डैश की वैल्यू टी की फॉर्म में निकाल लेंगे, मतलब ऐसे यूज़ करेंगे केपलर लॉ। आज का काम है, आज का काम यही करने वाले हैं। पर पहले प्रूव कर दें, प्रूव तो आपने कर ही रखा है, एक लाइन का काम है। तुम्हें आता भी क्या है, तुम्हें दो ही चीज़ें आती हैं, या तो अगर किसी चीज़ को उठा के फेंक दिया तो एनर्जी कंजर्वेशन, और अगर घुमा दिया तो सेंट्रिपेटल। इसमें अर्थ घूम रही है, फेंकी थोड़ी ना अर्थ को, तो घूम रही है तो सेंट्रिपेटल। अर्थ स्मॉलर रेडियस में घूम रही है तो फोर्स कितनी है, जी एम एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर इज अर्थ की सेंट्रिपिटल, एम वी स्क्वायर बाय आर। अर्थ का मास कैंसल, वेलोसिटी आ गई। वैसे ये तो डायरेक्टली मैं पुट कर सकता था, कैसे, इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, क्योंकि अर्थ जो है वो सन की सैटेलाइट है, तो सीधा ऑर्बिटल का फॉर्मूला। ठीक, तो टाइम पीरियड भी हमने किया था 2 पाई आर अपॉन वी, वी की जगह वैल्यू पुट कर दी ऑर्बिटल, रेसिप्रोकल लिया, इस स्मॉल आर को अंडर रूट के अंदर लेके गए तो आर क्यूब हो गया, और यहाँ से स्क्वेयरिंग किया तो ये कॉन्स्टेंट है टी स्क्वायर प्रपोर्शनल टू आर क्यूब। एनसीईआरटी का प्रूफ है और कुछ नहीं है, अगर आ गया तो ऐसे प्रूफ करते रहे। ठीक है यहाँ तक?